हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। दोस्तों, आज अभी धूप का सीजन जो है शुरू हो चुका है। कड़ी धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। इस वक्त शरीर में ठंडक रहनी चाहिए और खाने में कुछ अलग और टेस्टी सा हमें होना बहुत ज़रूरी लगता है। तो इसीलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चटनी। बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको एक बार बता दूं। मैंने एक प्लेट भर कर पुदीना लिया हुआ है, इसे साफ कर लिया है पानी से। और इसके अलावा हमारे पास एक छोटी कटोरी भरकर ड्राई रोस्टेड किया हुआ तिल, और यहाँ पर एक बड़ी कटोरी भरकर ड्राई रोस्ट किया हुआ सिंगदाना, जो कि पीनट हमने ले लिया है। इसके अलावा हमारे पास है कुछ लहसुन की कलियाँ। ये आप कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हुई है, 4 से 5 हरी मिर्चें, ये कम तीखी है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच भरकर जीरा, और स्वादानुसार नमक हमें चाहिए होगा। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा बस एक बड़ी चम्मच भरकर ऑयल, जो कि हमें चटनी के लिए लगने वाला है। मैंने ऑलरेडी गैस पर पतीले में डालकर रख दिया है ऑयल। पहले हम एक मिक्सी का चटनी जार ले लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे एक छोटी कटोरी ड्राई रोस्टेड तिल और बड़ी कटोरी भरकर पीनट यानी कि सिंगदाना। और अब हम इसे पाउडर बना लेंगे अच्छी तरह से। हमने इसे पाउडर बना लिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। और फिर जो बर्तन मैंने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, अब देखते हैं उसमें हमें किन-किन चीजों को डालना है। तेल हमारा जो रखा हुआ था बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम फटाफट से ऑयल में डाल देंगे जीरा, बहुत ज्यादा भूनेंगे नहीं। तुरंत हम इसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे, और ये हमने डाल दिया हरा मिर्च। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही मिर्ची में इस तरह के सफेद सफेद दाग आने लगे, तुरंत हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और तुरंत हम इसमें पुदीना भी ऐड कर देंगे। और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ढेर सारा दिखने वाला पुदीना पकने लगा है, तो बहुत ही कम दिखने लगेगा। जब इसमें का पानी पूरा सूख जाएगा, खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। ये हमने कर दिया फ्लेम। ठीक 1 या 1.5 मिनट में ही इसमें का पानी जो है पूरी तरह से सूख जाएगा, तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये सारे जो पुदीने के पत्ते के साथ हमने सारी चीजें डाल रखी है, ये सारी चीजें हम प्लेट में निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जबकि ये सारी चीजें ठंडी हो चुकी है, तो हमने जो सिंगदाने और तिल का पाउडर बना के रखा हुआ था, इसमें हम ये सारी चीजें डाल देंगे। हमने ये सारी चीजें इसमें डाल दी है सिंगदाने और तिल के पाउडर के साथ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे अच्छी तरह से एकदम फाइन पेस्ट के रूप में इसे पीस लेंगे। चटनी को हमने पीस लिया है, एकदम बारीकी से पीस लिया है। बहुत ही अच्छा इसका स्मेल आ रहा है, आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा पतला हमने इसे नहीं रखा है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसे पीसे, वरना फिर चटनी जो है पतली हो जाएगी। आप खाने के साथ इसे खा सकते हो, स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और रोटी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। धूप के सीजन में खाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पुदीने के गुण तो आप सभी लोग जानते हो। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।